आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पंकज कुमार साव है। कहाँ से हो? सर बड़की हुआ भूली। धनबाद में? धनबाद में है सर। यहाँ पर आप किस चीज़ में एडमिशन लिया है आपने? सर यहाँ पर मैंने पॉपुलर मेडिसिन लिया है, जिसके यहाँ पे सीनियर थे गणेश माथो, उनके माध्यम से वो हमको बोले वहाँ चलो और अपना रोजगार प्राप्त करो। नायब टेक्निकल में आपका ये ट्रेनिंग का जो पीरियड रहा 2 से 2.5 महीने का, ये आपको कैसा लगा? सर दो से ढाई महीने, सबसे पहले मैंने 1 महीना थ्योरी की लिखे और उसके बाद मैंने मतलब आपके थ्रू मैंने ये मशीन पे मशीन भी इतना अच्छा लगा कि एक दिन में मैंने लोडिंग देने लगा। पहला दिन ही लोडिंग? यस सर, पहला दिन में लोडिंग देने लगा। इसका कारण क्या है? ये डेमो है? यस सर। ये डेमो के कारण आप इतना अच्छा कर पाए? यस सर। नायब टेक्निकल में आपको ये डेमो ट्रेनिंग पहले दिया जाता है, डेमो के हिसाब से आपको हाथ समझ में आता है, कैसा बैठाए क्या किए, ये सब आपका समझ में आ गया था पहले से? सबसे पहले समझ। तभी मुमकिन हो पाया कि आपने पहला दिन गाड़ी बोल दी हो। फिर आप जो है एक दिन के बाद दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन जो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो रहा, वो अनुभव हम लोगों से शेयर कीजिए। नायब टेक्निकल जो आपको ट्रेनिंग दिया, क्या उससे आप संतुष्ट है या असंतुष्ट है? बगैर दबाव के आप बोलिए, ऐसा नहीं कि हाँ सर सामने है तो ऐसा बोल देना है, वैसा कोई बात नहीं। जो हमने दिया अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, वो आप बताइए। सर सबसे पहले की जब हमने ट्रेनिंग लिया तो एक दिन लोडिंग देने लगा तो 5-6 दिन के बाद हमको लगा कि हम खुद भी ऑपरेटर बन गए। इतना अच्छा नायब टेक्निकल से हमको भेजा या सागर भेजे पास, उन्होंने मेरे ऊपर मशीन ही छोड़ दिया, तो इससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। और आपको खास करके और सागर मैं को खास करके मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे 5 दिन में लगा कि हम ऑपरेटर बन गए, हम कहीं चांस मार सकते, इतना मैं उस पर कॉन्फिडेंस रहा। आपका कितना दिन चला ट्रेनिंग? 15 दिन सर। 15 दिन ट्रेनिंग चला, ये 5 दिन में ही आपको ऐसा अनुभव हो चला था कि हम ऑपरेटर बन गए? बहुत लंबा अनुभव रहा। हमारे कहने का मतलब है कि नायब टेक्निकल में आने वाले और बच्चों के लिए आपका तरफ से क्या संदेश होगा? सर मैं तो बोलूँगा कि नायब टेक्निकल में आए और ये अपना यहाँ से अपना रोजगार प्राप्त करें, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से बच्चा असंतुष्ट होकर नहीं जाएगा। आप संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। चलिए, आप जब खुश हैं तो आपका गुरु भी खुश है। यही चाहते हैं कि मेरा जो भी लड़का हमारे पास से जब आए और जब विदा ले पूरी ज़िंदगी एक याद हमारे साथ जुड़ा रहे, है ना? यही कामना करते हैं। आपकी खुशी में हमारी खुशी है, आप रोजगार पाएंगे, आने वाला अवसर जो आ रहा है उसमें आपको लगता है कि हम अगले महीने तक हम अपना रोजगार पा सकते हैं। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद।